हाय, मेरा नाम है ओम और आज मैंने उन बच्चों के लिए कविता लिखी है जो अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए लगातार लड़ रहे हैं और संघर्ष से जूझ रहे हैं। पहली लाइन उनके लिए है कि एक ख्वाब सुहाना देखा था, एक ख्वाब सुहाना देखा था, ये मन ही मुश्किल मान पड़ा, जिस कश्ती पर निकला था मैं उस रास्ते में तूफान पड़ा, उस रास्ते में तूफान पड़ा, एक ख्वाब सुहाना देखा था। लहरों की अपटा झपटी से, लहरों की अपटा झपटी से मैं लड़ता रहा, मैं भिड़ता रहा, हिम्मत ये देख समंदर भी, हिम्मत ये देख समंदर भी, ललकार पड़ा, हुंकार पड़ा, एक ख्वाब सुहाना देखा था। मैं गिरकर संभला फिर खुद ही, मैं गिरकर संभला फिर खुद ही, उठकर फिर मैंने टक्कर ली, उठकर फिर मैंने टक्कर ली, जिद और सम्मान के टक्कर में अपने अभिमान को जान लिया, एक ख्वाब सुहाना देखा था, अब पूरा होता देख रहा। लास्ट में मैंने जो ये लाइन लिखी है कि मैं गिरकर संभला फिर खुद ही, उठकर मैंने फिर टक्कर ली, ये आपके लिए है, आप पर लागू हो रही है, या आपकी जिंदगी में अभी जो परेशानियां आ रही है जिससे आप जूझ रहे हो, अगर आप गिरते भी हो तो खुद को खुद से संभालना पड़ेगा। आपके लिए भगवान कोई प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं भेजने वाला है, कोई अवतार नहीं भेजने वाला जो आपके कंधे को हाथ लगाएगा और उठा करके कहेगा भैया तुम आगे चलो, ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा, कोई और नहीं आने वाला। इसके आगे की लाइन थी कि जिद और सम्मान के टक्कर में अपने अभिमान को जान लिया, इसका मतलब ये है कि देखो भैया IIT और एम्स जो होते हैं वो आपकी पूरी तरह से जिंदगी बना देंगे ऐसा कहना सही नहीं होगा, सिर्फ आपको ये एक अभिमान दिलाते हैं, एक गर्व दिलाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं और पूरी जिंदगी वो कॉन्फिडेंस लेकर के चलते हैं और अपनी जिंदगी को बखूबी सही तरीके से जीते जाते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।